नहा धो के एकदम हम तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं अपने घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर मेला देखने। बढ़िया भाई, एकदम मस्त। दोस्तों खाना बनकर तैयार हो चुका है और आज अम्मा कुछ स्पेशल बनाई थी, ये देख लीजिए दोस्तों। आज अम्मा एकदम स्वादिष्ट चिकन बनाई है, तो खाना तो अम्मा ने परोस दिया और ये रहा आज का खाना। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी हम गए थे अपने घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर जिम और अभी घर वापस आ ही रहे हैं। और आज का मौसम तो देखो भाई, एकदम पूरा चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। और ऐसा पता है लगभग 1 महीने बाद हुआ है कि पूरा चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और बहुत भयानक ठंड है। और ये देखो चप्पल में गए थे पूरा एकदम पैर ठंड वंड से कांप रहा है, हाथ में तो दस्ताना पहने थे तो हाथ तो हमारा सेफ है लेकिन पैर में बड़ा ठंडी लग रहा है। हमारे यहाँ तो देखो गेहूं फूटने लगा। और आप लोगों के यहाँ गेहूं वगैरह की क्या स्थिति है हमें जरूर बताएगा कमेंट में। और कोहरे की वजह से ना ऐसे मुंह ढक के गए थे, ऐसे एकदम पूरा एकदम भालू बन गए। और कोहरा इतना तगड़ा है ना कि पूरा ये सब पूरा पानी पानी हो गया था। अब यहाँ से घर 1 किलोमीटर दूर है, चलो 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, अभी घर चलते हैं। घर पर आते ही दोस्तों अपना बाइक को अपना झोपड़ी में खड़ा कर दिया यहाँ पर। आकृति उठ गई लाला, हाय कर दे, गुड मॉर्निंग बोल दे, सोना नमस्ते ना कर बे। डेली बतावे के पड़ी गले जा छोड़ी आओ कहाँ क्रेम में लगे ले जा कहीं आओ, चलो लाला मम्मी के पास। कहे ना जाबे, अच्छा मतलब मम्मी के पास ना जाबे, मम्मी के यहाँ ले आऊँ। हाँ। अच्छा बड़ी होशियार हो। नानी आलू काट रही है, जाओ मदद करा दो, आलू पकड़ा दो, नानी काट देगी। ठीक है आज आलू की सब्जी बनेगी और क्या रहेगा अम्मा इसमें, रही गोभी वोभी टमाटर टमाटर। अच्छा बा गोभी, गोभी बा थोड़ा सा दिखा दे लाला, ला तो लाला गोभी, गोभी है गोभी, देख दीदी इतना है। अरे जो ना तो डाल दो इसी में। मौसी हाँ बहनी खाना बनाते, हाँ लाला खाना बनाई तो बाटी। दिन भर तापो? हाँ। तो क्या करे जब ठंडी है, तब क्या करे बताओ। ठंडी हाँ, देखो कितना भयानक कोहरा है आज, नहीं आज धूप ही नहीं निकलेगा ना, इतना भयानक धूप हो गया। सुबह में लग रहा था ना कि दिन भर आज कोहरा रहेगा और ये देखो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि सुबह में इतना भयंकर कोहरा था। और आज फिर दोस्तों हमारे घर का काम बंद है, कुछ भी नहीं हो रहा काम। हम लोग को इधर का जो पावा है, चारों पावा खड़ा करना था लेकिन आज भी नहीं हो पाया। वो देखो पिताजी काम पर से आ गए हैं, अभी अभी आए हैं। हमारे नए घर का काम बीच बीच में बंद करना ना ये पिताजी की मजबूरी है, क्योंकि देखो आप सभी को पता है कि जो कुछ भी हमारे घर में काम वगैरह हो रहा है, न्यू घर बनवाने में जितना भी पैसा वगैरह लग रहा है सब यूट्यूब की कमाई से ही हो रहा है और हमारा कोई अलग तरीके से पैसा से कमाई का कुछ सोर्स नहीं है, जैसे बिजनेस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो सारा कमाई बस यूट्यूब के सहारे है, सब कुछ दोस्तों यूट्यूब पर डिपेंड है हम लोग का, जितना भी घर में काम हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों पिताजी जब गांव में पाते हैं काम तो कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों पिताजी को काम वगैरह बराबर गांव में मिलता नहीं है, जब मिल जाता है तो 2-4 दिन 10 दिन बंद कर देते हैं इधर का काम, उधर कुछ पैसे मिल जाते हैं, इसीलिए काम बंद करना पड़ता है मजबूरी में। ए कृति हीरो देखी है, हीरो कहाँ देखी है हीरो, चल पपी दे हीरो को। नहा धो के एकदम हम तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं अपने घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर मेला देखने। कृति कल जाना आप, ठीक है आज मत जाओ, रुको रुको पहले बात सुन लो मेरी, पहले बात सुन लो, सुनो आप मौसी के साथ जाओगी तब ठीक रहेगा, ठीक है। हम वहां से आपके लिए अंगूर ले आएंगे, खिलौने ले आएंगे और क्या ले आए बताओ, जलेबी, वो सब ले आएंगे, आप मौसी के साथ चले जाना, ठीक है। और हम जाने वाले हैं और ये देखो अपना भतीजा रोहित भी जाने वाला है, ना ले बाबू। हाँ, चल ठीक है तैयार हो जाए, कपड़ा पहन ले, चल जाए ठीक मजा आएगा। तो रोहित भी रेडी हो गया, कपड़ा वपड़ा पहन कर एकदम तैयार हो गया, अब हम लोग निकलते हैं। और बाइक देखो धूल उल दिए हैं, एकदम एकदम मस्त चमक रहा ना रोहित। हाँ, बहुत मस्त लग रहा है, नवा लग रहा है,
सात महीना हो चुका हमारा बाइक, और सात महीने में देखो ऐसा कंडीशन हमारे बाइक का, मस्त दिख रहा ना रोहित? चलो अब चलते हैं। ठीक है अम्मा, जा रहे हैं मेला देखने? ठीक बा, खेल लो गुच्ची खेल लो। ये देखो गुच्ची खेल रहा लोग। पार्क कर दो। हम लोग मेला पहुंच चुके हैं और अपना बाइक को वहां पर पार्क कर दिए हैं। चल रोहित चलते हैं मेले के अंदर। ये है भैया बांसी का मेला। इधर से उसे? चल चल यहीं से, प्रवेश द्वार पर हैं हम लोग। बांसी का खाजा काफी ज्यादा फेमस है न रोहित? खाजा नहीं रे, हम लोग गांव में खाजा बोलते हैं ना, लेकिन शुद्ध भाषा में खजला बोला जाता है। गांव में ना सब कोई कहता खाजा खाजा। तो पता ही नहीं था कि इसको खाजा बोलते हैं, क्या पता नहीं। अभी रोहित को पता ही नहीं था कि खाजा बोला जाता कि खजला। वैसे तो भीड़ नहीं है अभी। चल इधर साइड झूलो वाला देखते हैं। नहीं ना अभी तो भीड़ नहीं है, लेकिन शाम तो देना पक्का भीड़ जाएगा पूरा एकदम। भाई हम लोग मेले के अंदर आ गए रे। तो दोस्तों अभी हम लोग मेला वाला देख लिए और अभी घर की ओर निकल दिए, और ज्यादा ब्लॉग उधर नहीं बनाए क्योंकि दोस्तों गाना बहुत चलता है मेला में। वो ऑर्केस्ट्रा वर्स्ट्रा नाच रहे था ना, तो दम पे दम गाना चलता है, तो थोड़ा दिक्कत होता है दोस्तों ब्लॉग में, इसीलिए ज्यादा हम रिकॉर्ड नहीं किए। बाकी हम लोग मेला एकदम मस्त इंजॉय किए और बढ़िया लगा, मजा आ गया। करो रोहित। हाँ बहुत ही अच्छा था मेला। बस थोड़ा वही गनवा की वजह से हम लोग ज्यादा रिकॉर्ड विकॉर्ड नहीं कर पाते थे। हम लोग अभी घर के एकदम करीब में पहुंच चुके हैं। अभी ये अपना गाँव ही है, देखो ये रहा गाँव, और 5 बज चुके हैं, सूर्यदेव जी भी ढलने ही वाले हैं। ये है गांव का प्यारा सा नजारा। चलो हम लोग घर चलते हैं अभी। ये देखो भैया हम लोग जा ही रहे थे, देखो हमारे गांव के लोगों को। ए रुक जा रे बाबू, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। कहाँ रे आजाद? कितने लोग है? 1, 2, 3, 4, 5 लोग है देखो। अरे भाई मस्त मजा कर रहे हो। चल घर की ओर चलते हैं। 5 लोग बैठे हुए हैं, एकदम मस्त इंजॉय कर रहे हैं सब। बढ़िया भाई एकदम मस्त। लाला कीर्ति सोना सोना अंगूर लाया हूँ, अंगूर लाया हूँ, मुझे पता था अंगूर मांगेगी। अरे लाला खड़ा कर दे रहे हो इतना झोपड़ी में। और रुको रुको अरे निकाल ले। रुक जा ये ले। हले अंगूरवा देख अंगूर लाया हूँ। ये देख लाला, ये देख क्या है, दिख रहा क्या है? तो दोस्तों अभी रात हो चुका है, 7 बज रहे हैं रात के, और पिताजी भी काम पर से आ गए हैं ना। कृति क्या खा रही? कृति खजला खा रही क्या? अच्छा आज मेला गए थे दादा, बासी मेला। बढ़िया बा, अभी ज्यादा दिन हुआ काम बा? नहीं बस 2-4 दिन। हाँ 2-4 दिन, 4 दिन लगभग। दोस्तों खाना बनकर तैयार हो चुका है, और आज अम्मा कुछ स्पेशल बनाई थी, तो दिखाओ अम्मा का आज। ये देख लीजिए दोस्तों, आज अम्मा एकदम स्वादिष्ट चिकन बनाई है। तो खाना तो अम्मा ने परोस दिया, और ये रहा आज का खाना, और ये रहा अम्मा का। अम्मा नहीं खाएगी ज्यादा, बोल रही है थोड़ा सा ही खा पाएंगे हम। तो अभी अम्मा के हाथ का स्वादिष्ट चिकन खाते हैं, साथ में प्याज। मजा तो है। खाना पीना करके चल रहे हैं सोने, और इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज दोस्तों इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों से मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।